फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आपने 9th क्लास में भी किया है ये टॉपिक कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, वहां पे सिर्फ आपके एक लीनियर इक्वेशन होती थी। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पे भी सॉल्यूशन की बात आती है, फॉर एग्जांपल हमने ये लीनियर इक्वेशन ली है, सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। वेरिएबल्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और आपने ये भी किया था, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है वहां पे सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन थी, उसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भी सेम थीम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, और इसका मतलब क्या है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, वो हमारी वो पेयर ऑफ वैल्यूज क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक्स की वैल्यूज 3 और माइनस वाई की 3 और माइनस 1, एक्स की 3 और वाई की माइनस 1 अगर इसमें पुट करते हैं 3 माइनस 1 2, 3 माइनस और माइनस 1 4, यानी कि ये जो पेयर ऑफ वैल्यूज है ये हमारा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ये वैल्यूज, तो हम कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 2 1 1, ये इक्वेशन 1 और 1 ये जो सॉल्यूशन है ये पेयर है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट को तो सेटिस्फाई करता है बट सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और इसको हम, क्योंकि आप ये वैल्यूज पुट करके देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ये जो पेयर है पेयर ऑफ वैल्यूज विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, हेंस वी से दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशन का मतलब पता लग गया, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस, वो क्या कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अब ध्यान दें, आपका 9th क्लास में आपने किया था जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बट 10th क्लास में अगर अभी आप करेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उसका एक सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशंस भी हो सकता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। पहला है हमारा ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली एक ही बात होती है। ग्राफिकल का मतलब है, या ग्राफिकली कहें, ग्राफ ड्रॉ करें हम दोनों लीनियर इक्वेशंस के, वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालें, ठीक है, ये हो गया ग्राफिकल। दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक का मतलब है हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, वहां से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 मेथड्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ELIMINATION, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2, दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम पहला कौन सा करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं, दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल, जैसे कि मैंने बताया इक्वेशंस को रिप्रेजेंट, जैसे हमने पहले किया था इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, एक हमारा ग्राफिकल मेथड है, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है। उसी तरह सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं, एक ग्राफिकल मेथड है, एक हमारा एल्जेब्रिक मेथड है। पहले हम एक्सरसाइज 3.2 में कर रहे हैं हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि ग्राफ से हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। दो पार्ट है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और हमने उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, या बोले ज्योमेट्रिकली भी लिखा हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट्स दिए हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स गिवन है। मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं 10 स्टूडेंट्स। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो गर्ल्स हैं वो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपने बतानी है कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। हमें ना तो गर्ल्स पता ना बॉयज, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स मान लिया हमने, नंबर ऑफ बॉयज मान लिया हमने वाई, ठीक है। गर्ल्स नहीं पता हमें, बॉयज नहीं पता, गर्ल्स मान लिया हमने एक्स, बॉयज मान ली वाई, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं इसलिए एक्स और वाई में लेंगे आप। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने हैं, 10, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, जो गर्ल्स हैं 4 ज्यादा है, किससे, बॉयज से, यानी कि एक्स की वैल्यू वाई से 4 ज्यादा है। एक्स इज 4 मोर देन वाई, एक्स ज्यादा है किससे, वाई से, वाई की तरफ ऐड होंगे, तो दिस इंप्लाइज वाई को इधर लेके आएंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, दो इक्वेशन बन गई। अब इनका हमने क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन, दोनों की टेबल बना ले सॉल्यूशन की। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक हम यहां पे दिस इज द टेबल ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस, बेटर है एक बार एक्स को 0 लेने, एक बार वाई को 0। एक्स को 0 लिया तो वाई कितना आ गया, 10, और वाई को 0 लिया तो एक्स आ गया 10। दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके भी हम दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं आप, मिनिमम 2। वाई को 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और एक्स को 0 पुट करेंगे, देखो एक्स को 0 पुट किया, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस नीचे आ गया तो क्या बनेगा, माइनस 4। एक्स को अगर आप 0 पुट करेंगे तो वाई कितना आ गया हमारा, माइनस 4। तो अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉइंट्स को। तो यहां पे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, 2 वी टेक 0, दिस इज द ओरिजिन, 2, 4, 6, 8, 10, दो तो क्या लेते हैं, -6, -8, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, 0, 10, 0, 10 कहां पे आएगा, ये हमारा है 0, 10, 10, 0, ये पॉइंट क्या हमारा, x 10 है, y कितना है, 0, तो पॉइंट क्या हुआ, 10, 0, 10, 0 यहां पे आएगा। ये हमारा किसका ग्राफ है, x प्लस y इक्वल टू 10 का ग्राफ है।
सेकेंड इज x माइनस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है, x की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस 4, और 0 माइनस 4 देखिए कहां पे आएगा, y एक्सिस पर x 0 होता है, 0 माइनस 4, ये आ गया हमारा 0 माइनस 4, 4 0, 4 0 हमारा कहां पे आएगा, यहां पे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमारी लाइन यानी हमारा ग्राफ, ये किसका ग्राफ आया हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का। अब दो लाइंस, जैसे कि मैंने बताया था आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइंस पैरेलल होंगी, या लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे इंटरसेक्ट की हैं इससे हमने कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। यहां पे x की वैल्यू, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, आपने 9th क्लास में किया है, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां पे x कितना 7 और y कितना है, यहां पे ग्राफ से ड्रॉ करेंगे एक्यूरेट आएगी वैल्यू 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ गर्ल्स x 7, नंबर ऑफ बॉयज यानी कि y बॉयज है कितने आगे 3। हमने जो ये x और y की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू 7, ध्यान दें x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3, ये वैल्यूज निकाली है। अगर आप ये दोनों वैल्यूज इक्वेशंस में पुट करते हैं, दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी, तो हमने किससे निकाला है, ग्राफ से वैल्यूज निकाली है, इससे निकाली है ग्राफ, दिस इज द ग्राफिकल मेथड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन फर्स्ट का, सेकंड पार्ट करते हैं हम, सेम वही करना है हमें, ग्राफिकली हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, ये आप एक्सरसाइज 3.1 में कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, वहां पे सिर्फ हमने क्या था, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना था, सोल्यूशन नहीं निकालना था, इसमें हमने सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट ऑफ 1 पेन। जैसे मैंने बताया है, जिस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है उसको मान लेते हैं हम, जैसे पिछली में फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करना था, तो उसको हमने मान लिया था लाइक नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज, इसी तरह यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो इसको मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसको फाइंड आउट करना, इसको हमने मान लिया एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन रुपीज वाई, हमने मान लिया कि एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है और एक पेन की कॉस्ट रुपीज वाई, हमने इनको फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज को हमने निकालना है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस, 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है एक्स रुपीज, 5 पेंसिल्स की कितनी होगी 5x, 7 पेंस, एक पेन की कितनी है रुपीज वाई, 7 पेन की कितनी होगी 7y इक्वल टू रुपीज 50। सेकेंड कंडीशन, सेवन पेंसिल्स एंड 5 पेंस टोटल कॉस्ट रुपीज 46। अब 7 पेंसिल्स और 5 पेंस, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेंस, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी रुपीज एक्स, 7 की कितनी हो जाएगी 7x, 5 पेंस, एक पेन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज, और 5 पेंस की कितनी होगी 5y, और टोटल कितनी है 46। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, सिमिलरली हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर इनको क्या करेंगे ग्राफ पे पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले देखिए 5x प्लस 0 पुट किया तो
गई 10, बट अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो 50/7 आता है। x को हमने 0 किया जो कि ये होल नंबर नहीं आ रहा, बेटर है पॉइंट में आने से पॉइंट में ना आए, एक्यूरेट कैंसिल, पूरा इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। 50 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 7 डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीट, तो एक्यूरेट वैल्यूज निकालने में x और y की हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर है वो वैल्यूज लें जो इसको कंप्लीट डिवाइड करें। तो x की वैल्यूज कुछ भी पुट कर दें आप, हमने y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 45 नहीं होगा, 2 पुट करेंगे नहीं 3 पुट करेंगे हम x को, देखो x को हम 3 पुट करेंगे तो 15 बन गया, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 − 15 35, तो 5 आ गया भाई हमारा। तो और भी कोई वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप जो पॉइंट में, मतलब पॉइंट में आ जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड नहीं हो रहा था हमारा, एक हो गया हमारा सोल्यूशन ये। सेकंड इज 7x + 5y = 46, एक्स एंड वाई, अब x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर दें, x की फाइंड आउट कर लें, x की वैल्यू देखो x को 0 पुट करेंगे 46/5 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, x की y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, बट अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, 0 पुट की तो 46/5 5 × 9 = 45 5 × 10 = 9.2 आ गया। x की अगर आप वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 9.2 आ जाता, डिवाइड हो जाता है हमारा कंप्लीट, 9.2 आ गया। अब x की वैल्यू कोई और या y की वैल्यू पुट करें आपकी मर्जी, x की वैल्यू हम 3 पुट कर लेते हैं, 21 5 2, तो 5 आ गया हमारा, ये कॉमन पॉइंट है हमारा 3 और 5 दोनों में। और भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, y की अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो y की वैल्यू 0 ना लें, ये दो ही पॉइंट सफिशियंट है, बाकी और भी कोई चेक कर सकते हैं आप, y की कुछ वैल्यूज ले लें या x की कोई वैल्यू 7, 5 कुछ बढ़ा समथिंग, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इनको, हम 2, 2, 4, 6, 8, 10 0 x एक्सिस, y एक्सिस −2, माइनस तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बस इतना ही छोड़ दें, 2, 4, 6, 8, 10 −2 − 4 दैट सफिशिएंट, इतना ही है काफी। 3 और 5, x कितना 3, y कितना 5, 3 and 5 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 10 and 0 3, 5 x 10 y 0 यहां पे आएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, यहां पे ले लेते 3, 5 ये हमारा किसका ग्राफ है, 5x + 7y = 50 का ग्राफ है एक हमारा। अब दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, 7x + 5y = 46 एक तो पॉइंट हमारा यही हो गया कॉमन में 3 और 5, दूसरा 0 9.2 कहां पे आएगा हमारा, यहां पे आएगा हमारा पॉइंट, x कितना 0, y कितना 9.2 0 x 0 9.2 हमारा यहां पे आया पॉइंट 9.2 यहां पे 9.2 लगभग, तो हम यहां से हमारी लाइन जाएगी दूसरी लाइन, एक हो गया हमारा 3, 5, 0 9.2। अब जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं यहीं पे कट कर रही है हमारी, कॉमन वैसे भी आ गया था हमारा 3 और 5, ये हमारा कितना 3, x कितना 3, y कितना 5, तो यहां से दिस इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल
रुपीज 3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज 5। अगर इन दोनों में एक बार नोट करें, अगर दोनों लीनियर इक्वेशंस के हम पॉइंट्स सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर इनमें कोई कॉमन आ रहा है इसका मतलब श्योर है वही पॉइंट होगा हमारा। अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो फिर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसके पॉइंट निकाल लेंगे। अब तो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता है x कितना 3 और y कितना 5, तो कॉस्ट कितनी आ गई वन पेंसिल की x यानी कि 3 और वन पेन की कॉस्ट कितनी आ गई रुपीज 5। दिस इज आंसर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, उनको हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे? इफ द इक्वेशंस है सॉल्यूशन वन आर मोर, यानी कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो या तो एक हो या एक से ज्यादा, तो हम उन इक्वेशंस को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशंस या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशंस, यानी कि इक्वेशंस का अगर कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है तो वी से दैट द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास सपोज दो इक्वेशन दे रखी लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा हमारे पास लीनियर इक्वेशन, हम उनको ए वन ए टू ये रेशो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इन रेशो को कंपेयर करके बता सकते हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए और बिना सॉल्व किए, हम बता सकते हैं कि हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, उनकी नेचर के बारे में हम बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? सपोज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ए वन एक्स टेंड टू फॉर्म आपको पता है प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो रेशो। अगर रेशो हम कंपेयर करते हैं ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, अगर ये दोनों रेशो इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम रेशो से ही बता सकते हैं कि दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी, श्योर है दोनों लाइंस कैसी होगी इंटरसेक्टिंग। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रिक का मतलब है जो हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे वो कैसी आएंगी, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि यूनिक ही आएंगी, यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या होगा यूनिक होगा। और सॉल्यूशन है तो नेचर यानी कि जो इक्वेशन है हमारी वेदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगी क्योंकि मैंने बोला है अगर सॉल्यूशन है तो कैसी होंगी इक्वेशन कंसिस्टेंट। अब मैं देख लें आप ये हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, सिर्फ अगर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमारी लाइंस अगर ये रेशियो इक्वल नहीं होंगी तो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपने नाइन्थ क्लास में किया था, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं और दूसरी लाइन पे भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट लाइन के ऊपर हैं वो उस लाइन का सॉल्यूशन होते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन होंगे, सेकंड पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका सॉल्यूशन होंगे। अब एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक ही पॉइंट इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है तो आपको याद रखना कंसिस्टेंट है। सेकंड, अगर तीनों रेशो इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है एक लाइन का ग्राफ ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ है और दूसरी लाइन का भी ग्राफ वही होगा, यानी कि जितने पॉइंट्स पहली वाली लाइन पे होंगे सारे के सारे पॉइंट दूसरी लाइन पे भी आएंगे, यानी कि जितने पॉइंट्स फर्स्ट लाइन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स ऑल द पॉइंट्स विल आल्सो सेटिस्फाई सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सेकंड को भी सेटिस्फाई करेंगे तो एक लाइन पे कितने पॉइंट होंगे इनफाइनिटली मैनी, तो सॉल्यूशन क्या होंगे इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट, अगर फर्स्ट दो रेशो इक्वल है थर्ड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमारी लाइंस क्या होंगी पैरेलल्स, यानी कि ये वाली पहली दो रेशो इक्वल तीसरी अनइक्वल तो हम बोलेंगे लाइंस कैसी आएंगी हमारी पैरेलल्स, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम बता सकते हैं पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट इस लाइन के पॉइंट्स में और इस लाइन के पॉइंट्स में दोनों लाइन के पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है
इसका मतलब कॉमन नहीं है तो कोई भी नो सोल्यूशन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है इसका मतलब इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, इसका मतलब इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थ्री। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन कंपेयरिंग द रिसोर्स A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट PT.point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। अभी हमने कंडीशन की थी इसलिए हमें रेशियो कंपेयर करनी पड़ेगी। ये हमारा A1 देखें क्या है 5, ये किसकी फॉर्म में A1x plus B1y plus C1, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है A2x, तो A1/A2 A1 कितना है 5 x का कोफिशिएंट और A2 कितना है 7, B1/B2 B1 कितना है y का कोफिशिएंट -4 और B2 कितना है 6, कैंसिल कर दो -2/3। अब ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो हमें थर्ड रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। पहला केस आ जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो आप थर्ड पे जा सकते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। और फाइंड आउट करना चाहें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं C1/C2 C1 कॉन्स्टेंट -9, तीनों रेशो आ गई हमारी, ये रख कर दें। अब ध्यान दें नाउ क्या दोनों रेशो इक्वल है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इक्वल नहीं है दोनों। तो दिस इंप्लाइज गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर ये दोनों रेशो इक्वल आ जाती और थर्ड इक्वल नहीं होती तो हमारा कौन सा थर्ड वाला केस हो जाता? समझ में आ रहा है? अगर तीनों रेशो इक्वल आती तो हम क्या आते हैं, क्या कहते हैं, लाइन आर कोइंसिडेंट। दोनों इक्वल नहीं है तो अभी हमने जो टेबल बनाई थी उससे आप मैच करेंगे तो पहले वाले कॉलम में जाएंगे कि लाइन्स क्या करती है हमारी। अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ से भी आप देखोगे कि लाइन्स कैसी आ रही हमारी, इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस वही सेम A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपसे क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ सकता है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर आपने रेशियो कंपेयर करके लिखा होगा क्वेश्चन में ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। तो A1/A2 हम रेशियो निकालेंगे, A1 कितना 3/2 / 9, तो कितना हो गया 3/2, इसका इसके नीचे 1 है 1/9, तो कितना आ गया हमारा 1/6। B1/B2 5/3 -10 5/3 यानी कि -1/10 -1/6। क्या इक्वल है दोनों? नहीं है इक्वल, तो हमें थर्ड रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/ अगर आप C1/C2 निकालेंगे देखेंगे यार, फिर कहेंगे इधर नहीं है, इधर लेके आएंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। आपकी मर्जी, राइट हैंड साइड में लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज सॉरी लेफ्ट में लेके आना है तो ठीक है, अदरवाइज राइट में ही रहने दें। लेफ्ट में लेके आएंगे यानी कि -7 = 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या हो जाएगा, -14 = 0, यू कैन राइट। तो -C1/C2 कितना, -7 - 14, तो 1/2। अभी दोनों रेशो हमारी इक्वल नहीं आ रही तो थर्ड की हमें जरूरत नहीं है निकालने की। अगर दोनों रेशो स्टार्टिंग की A1/A2 B1/B2 हमारी इक्वल आती हैं तब आपने थर्ड निकालनी है, अदरवाइज आपकी मर्जी, फाइंड आउट करें या ना करें। रेशो इक्वल नहीं है तो आपने अभी किया था लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब
इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया, और सोल्यूशन है तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, दिस इंप्लाइज गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेंड द सोल्यूशन ग्राफिकली. हमारे पास इस क्वेश्चन के फोर पार्ट्स गिवन हैं, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, आपने बताना है ये जो हमारी इक्वेशन है वेदर दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो आपने ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो वही ए वन बाई ए टू कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो हम कैसे बताएंगे, रेशो कंपेयर करेंगे. ए वन बाई ए टू वन है, ए वन बाई टू, और बी वन बाई बी टू कितना है, वो भी वन बाई टू, और सी वन बाई सी टू या निकाल लेते हैं हम सी वन बाई सी टू, सी वन कॉन्स्टेंट हमारा फाइव है, टेन, ये भी कितना आ गया वन बाई टू. इसका मतलब तीनों रेशियो क्या आ रही है, इक्वल. दिस इंप्लाइज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. आपने किया होगा, अगर तीनों लाइंस, तीनों रेशो सॉरी इक्वल आएंगी तो लाइंस हमारी क्या होंगी, लाइंस हमारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट, यानी कि कोइंसिडेंट भी होंगी. कोइंसिडेंट का मतलब दोनों का ग्राफ सेम आएगा, और इक्वेशन को देखने से भी पता लग जाएगा. देखिए आप इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करोगे या इसमें से टू कॉमन लोगे, सपोज मान लो टू हमने टू से मल्टीप्लाई किया वही इक्वेशन आ गई, तो इस टाइप की इक्वेशन में जिसको किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दूसरी इक्वेशन आ जाएगी तो वहां पे तीनों रेशो इक्वल आएंगे. तो हमने ग्राफिकली सोल्यूशन भी निकालना था, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, सोल्यूशन निकाल लें, एक्स वाई, एक्स जीरो वाई फाइव, वाई जीरो एक्स फाइव. सिमिलरली इसके भी पॉइंट्स हमारे यही आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन, अगर देखो हम अगर इस इक्वेशन से हम टू कॉमन ले लें तो सेम आएगी इक्वेशन, टू से कैंसिल हो गया फाइव, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया फाइव, सेम. तो एक्स एंड वाई जीरो फाइव, फाइव जीरो, सेम आएंगे पॉइंट्स. तो आपने लेकिन इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव. एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे सेम आएगा, तो इसके पॉइंट्स हैं हमारे फाइव जीरो जीरो फाइव. तो आप क्या लिखेंगे, इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों का ग्राफ क्या है, सेम है. तो एक लाइन का जो ग्राफ है, एक लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे दूसरी लाइन पे भी लाई करते हैं, इसलिए इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट. वही आपने बताना है जो हमारी इक्वेशंस हैं वेदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है. वही रेशो कंपेयर करेंगे, ए वन बाई ए टू टू बाई फोर, बी वन बाई बी टू, वाई का कोफिशियंट होता है यहां पे माइनस टू, माइनस वन बाई टू, क्या इक्वल है दोनों, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. अगर देखो इनकंसिस्टेंट आती है, इनकंसिस्टेंट कब आएगी, जब स्टार्टिंग की हमारी दो रेशो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो उस केस में क्वेश्चन को यही छोड़ देना है कि हमारी लाइंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तभी आपने क्या निकालना है, सॉल्यूशन, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का मतलब तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन निकालना है. पहले हम इसका इसके पॉइंट्स, वही हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, माइनस सिक्स है तो राइट साइड में तो आएगा जीरो,
इसके दो सोल्यूशन निकालने हैं आप, एक बार x को जीरो एक बार y को जीरो। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4 बन जाएगा। दो सोल्यूशन हम इसके निकाल लेते हैं। देखो x को जीरो पुट किया तो y कितना आ गया 6, और y को जीरो पुट किया यहां पे y को जीरो जीरो हो गया ये तो 3 आ गया। अब x को जीरो पुट किया माइनस 2 और y को जीरो पुट किया 1। अब हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जीरो सिक्स माइनस कहां थे, माइनस दो माइनस वन माइनस टू इतना ही सफिशियंट है। एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, यहां पे भी हमारा माइनस वन माइनस टू वन टू थ्री जीरो सिक्स, जीरो सिक्स हमारा कहां पे आएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स, जीरो सिक्स हमारा यहां पे आएगा, थ्री जीरो हमारा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, दोनों को मिला दो तो ये किसका ग्राफ है, 2x प्लस y इक्वल टू 6 का। सेकंड है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, पॉइंट है हमारा 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, x 0 यहां पे आएगा, 1 एंड 0, x 1 y 0 यहां पे। इन दोनों को हम मिला देंगे और ये जो पॉइंट होगा हमारा, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा क्या होगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 2, तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या आया, ये हमारा दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इट मींस एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर आप x की वैल्यू 2 जस्टिफाई भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करके देखें, y की वैल्यू 2 अगर सेटिस्फाई करती है तो हमारा जो आंसर है करेक्ट है।